डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुमझर के पास मुख्य सड़क के मोड़ के पास एक युवक की बिजली के खंभे से टकराने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा हसौद निवासी विवेक सोनवानी किसी काम से 13 जून को मोटरसाइकिल से डबरा आया था, जो वापस रात्रि में घर हसौद जा रहा था। इसी बीच जैसे ही कुसुमझर के पास पहुंचा था कि मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे विवेक सोनवानी का सिर फट जाने के कारण मौत हो गया। मृतक युवक का नाम विवेक सोनवानी, पिता कीर्तिराम सोनवानी, मंडी चौक हसौद थाना, उम्र 31 वर्ष, युवक मंडी चौक संस्कार पब्लिक स्कूल में चौकीदारी करता है। आज रात को भी खाना खाकर स्कूल चौकीदारी के लिए निकला था, घर वालों को पता नहीं था। वहीं ग्रामीणों द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस वाहन 112 को दी गई, जहां मौके पर पुलिस वाहन 112 पहुंची और इस मामले की जानकारी तत्काल थाना डबरा को दी गई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डबरा भेजा गया। डीएनएक्स टीवी के लिए डबरा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। पता चला सरपंच को सोहन लाल सिदार और मैं सीताराम खान, ग्राम पंचायत खुंडा का। तो हम लोग को यहां से फ़ोन किया गया कि आप लोग का गाँव का हो सकता है, आकर देख लीजिए। तो हम लोग आए सरपंच और मैं, उसके बाद हम लोग देखे तो उसमें गाड़ी नंबर से पता चला कि हसौद का है, विवेक नाम से। तो हम लोग व्हाट्सअप किए उसको फ़ोटो को और ग्रुप में डाल दिए हसौद के। उसके बाद वहाँ से पता चला कि मृतक विवेक हसौद का ही रहने वाला है। उसके बाद उसके परिजन लोग आए और उसको पुलिस वाले और उसके परिजन लोग लेकर गए।